नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आपके सामने में अलग विषय लेके आया हूं, जो विषय है अगर आपका नाम ए से शुरू रहता है तो आपको आपके जीवन में क्या गुण रहते हैं, क्या अवगुण रहते हैं, सारी बातें सब कुछ आज आपके सामने में कहने वाला हूं। बहुत से लोग हैं जिसको अपनी राशि मालूम नहीं है, कहा जाए कि ऐसे ही नाम रख देते हैं, फिर कहते हैं मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो आज आपके सामने मैं सब कुछ कहने वाला हूं। अगर आपका नाम ऐसे शुरू रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा सुनिए। आपके जीवन में अगर जो अवगुण है वो आप दूर करेंगे तो आपके जीवन में जो सफलता प्राप्त नहीं करते हैं वो सफलता प्राप्त आप जरूर कर पाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा सुनिए। दोस्तों ए नाम से जिसका नाम शुरू रहता है उसकी राशि है मेष राशि और उसका नक्षत्र रहता है कृतिका। आपके राशि स्वामी है वह मंगल देव है और कृतिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्य देव। आपके ऊपर दो ग्रहों का बड़ा प्रभाव रहता है, एक मंगल देव का प्रभाव रहता है, एक सूर्य देव का प्रभाव रहता है, और आपका जो तत्व है वो अग्नि तत्व माना जाएगा। दोस्तों सबसे पहला गुण है आप जो दिखते हैं वो होते नहीं है। वह कैसे है तो सबसे पहले सामने वाले को जब तक आपके झूठ ना जाए तब तक सामने वाला मानता है कि आप अभिमानी हैं, आप ईगो रखते हैं, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद उसको लगता है कि ये तो बड़े दिल अच्छे वाले हैं। आपका दिल रहता है बहुत ही स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। कहा गया है कि आप उत्साही बहुत रहते हैं, कोई भी कार्य बड़े उत्साह के साथ करते हैं। साथ ही अवगुणों की बात करूं दोस्तों तो आपका अग्नि तत्व है, किसी भी बात में आपको गुस्सा ज्यादा आ जाता है। ये गुस्सों को आपको जरूर कम करना चाहिए, दूर करना चाहिए। अगर आप दूर नहीं करेंगे तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, उसमें आपको यहां असफलता मिल सकती है। आपके समाज में आप अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे तो वहां आपको मान सम्मान में कमी आ सकती है। लेकिन अक्सर देखा गया है ए अक्सर से जो नाम सुर रहता है ऐसे लोग गुस्सा अपने परिवार पे ज्यादा करते हैं, लेकिन उसको अपनी गलती का अफसोस भी रहता है कि मैंने ये गलती कर दी है, गुस्सा ज्यादा कर दिया है, यह भी उसको लगता है। साथ ही दूसरा गुण की बात करूं दोस्तों तो आप में ज्यादातर आगे बढ़ने की सोच रहती है, आपके बड़े बड़े सपने रहते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये बड़े बड़े बातें आप अपने जीवन में सोचते हैं। लेकिन अवगुण की बात करूं तो ये बड़े बड़े सपने आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपकी जो निर्णय शक्ति है वो कमजोर रहती है, आप सोच नहीं पाते, वो कार्य का आरंभ नहीं कर पाते। ये जरूर आपको दूर करना चाहिए। जो सपने आप देखते हैं उसको पूर्ण आपको करना चाहिए, तभी आपके जीवन में आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों और आगे मैं आपके सामने अच्छे गुण और अवगुण की बात रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, वो भी अपने बारे में जान सके। साथ ही दोस्तों अपना अनुभव, मैंने जो सारी बातें रखने वाला हूं, अगर आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है तो अपना अनुभव जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, महादेव हर जरूर लिखिए। साथ ही दोस्तों ये बातें मैं चंद्र राशि के आधार पर रख रहा हूं, आपके नाम के आधार पर रख रहा हूं। अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष देखने का समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करें, उसी समय आपको मुलाकात का समय दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपके कौन से ग्रह अशुभ स्थिति में है, आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी बातें, आपको कौन से शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए, आप कौन से सरल उपाय कर पाते हैं, ये सारी बातें जन्म कुंडली के माध्यम से आपको बताया जाता है। जन्म कुंडली आपको भेजी जाएगी, लेकिन उनसे पूर्व
आपको सुनिश्चित दक्षिणा भेजनी होगी, फिर आपको समय भी दिया जाएगा, कुंडली भी भेजी जाएगी। दोस्तों अब हम बात करें ए नाम से, जिसका भी नाम शुरू रहता है। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जो भी कार्य वो करते हैं वो बड़ी प्रसन्न मन से करते हैं, साथ ही आत्मसम्मान उसको बड़ा रहता है। अगर कोई आत्मसम्मान में कमी करता है या उसकी बातों को नुकसान करते हैं, उसकी बातें नहीं मानते, तब उसको दोस्ती भी तोड़ देते हैं, संबंध भी तोड़ देते हैं। आत्मसम्मान में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके राशि स्वामी मंगल देवता तो है, लेकिन साथ साथ सूर्य का भी प्रभाव रहता है। साहसिक बड़े रहते हैं, किसी भी कार्य करने में जरा भी वो संकोच नहीं कर रहे, वो कार्य करते ही है। जो दूसरी राशि नहीं कर पाती वो मेष राशि या ए नाम से शुरू होता, वो लोग वो कार्य जरूर कर देते हैं। साथ ही संबंधों में ज्यादातर वो धोखे खा जाते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी के साथ दोस्ती करते हैं वो संबंध निभाना जानते हैं, किसी के साथ प्रेम करते हैं तो निभाना जानते हैं, लेकिन सामने वाला उसकी अच्छाई का लाभ लेते हैं और अच्छाई का लाभ लेने से वो नुकसान रहता है और अक्सर दोस्ती टूट जाती है, प्रेम संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उदार मन के रहते हैं। ज्यादातर उसके पास जो भी रहता है सामने वाले को उदार मन से अर्पित कर देते हैं, ये बड़ी बात है। साथ ही दोस्तों सेवा बहुत करते हैं, अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने जो बुजुर्ग है उसकी सेवा में उसका मन लगता है। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे एल लोगों की जो भाग्योदय का समय है वो 25 साल से शुरू रहता है और 35 साल तक की उसका भाग्योदय बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों यहां यह भी देखना चाहिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य महाराज मंगल देवता अशुभ स्थिति में है, या महादशा अशुभ है, या आपके गुरु महाराज शुक्र महाराज या आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तब भाग्योदय होने में 45 वर्ष हो जाता है। अपने जीवन में संघर्ष के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही अपने जीवन में ज्यादातर देखा गया है कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ना जानते हैं, मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अवगुण की बात करें तो आलस ज्यादा आ जाती है, नींद ज्यादा करते हैं, कोई उठाने वाला चाहिए, तब वो ज्यादातर मेहनत में लग जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये भी देखा गया है कि अपने जीवन में अक्सर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलती कर पाते हैं कि मान सम्मान में कमी भी आती है। ये अवगुण है वो जरूर दूर करने चाहिए। अपने जीवन में दोस्तों वो जो कार्य करते हैं कभी कभी उसको ईगो हो जाता है, अभिमान हो जाता है, वो जरूर दूर करना चाहिए। आप अपने जीवन में अभिमान दूर करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कार्य करें वो जल्दबाजी से करते हैं, मैं ज्यादा ये कार्य कर लूं, जल्दी से करते हैं, कभी कभी वो काम बिगड़ जाता है। शांति से काम करने से ज्यादातर उसमें सफलता प्राप्त रहती है। दोस्तों ये तीन अवगुण आपको अपने जीवन में जरूर दूर करने चाहिए। पहला अवगुण है क्रोध को दूर करना चाहिए, जल्दबाजी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, साथ ही अभिमान जो आपको कार्य के बाद आता है वो जरूर दूर करना चाहिए। ये तीन आप दूर कर देंगे आपके जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों ए नाम से मैंने शुरू किया है और सारे अक्षरों का आपके सामने सारी बातें मैं पूरी तरह रखने वाला हूं, इसलिए दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिए। किसी भी माध्यम से ये वीडियो आप देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, या यूट्यूब के माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों ऐसे ही जानकारी जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी हो रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण महादेव।